इलेक्ट्रिक वायरिंग इन न्यू हाउस पार्ट 4। दोस्तों पहले आप ट्रेलर देखे हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। झीरी कटिंग से लेकर वॉल चिपिंग से लेकर कंप्लीट वॉल पाइपिंग, दोनों रूम कंप्लीट वायरिंग सीखेंगे। मास्टर बेडरूम है वो, और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये समल बेडरूम है। दोनों रूम में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, वॉल मार्किंग से लेकर कंप्लीट पाइपिंग। मेरे चैनल में आप पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ कमेंट करना ना भूले। इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुरू करने से पहले डोर किस साइड खुलेगा पहले वो जानकारी कर लेंगे। लेफ्ट साइड डोर खुलेगा, राइट साइड में स्विच बोर्ड की मार्किंग करना है। पहले से हम मार्किंग कर दिए हैं, मार्किंग की पहले जानकारी कर लेते हैं कि डोर की एंडिंग से यहाँ पर 1 फीट में दिए हैं और ग्राउंड फ्लोर से नाप कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट यहाँ पर 52 इंच में मेटल बॉक्स की बेस ले यहाँ पर समझते हैं। ये 12 वे मेटल बॉक्स है, 12 वे मेटल बॉक्स से डायरेक्ट आगे यहाँ पर मार्किंग किया है और आगे ऐसे मार्किंग करके यहाँ पर मार्किंग किया है। दोस्तों ये कितना साइज के मॉडल मेटल बॉक्स लगा हुआ है और ये किस लिए लगाया है आपको हम आगे बताएं। पहले हम मार्किंग आपको बता दिए हैं क्लियरली। दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट छत में सेंटर में एक जॉनसन बॉक्स और 4 साइड बैंड गिरा हुआ है। पहले से एक इलेक्ट्रिशियन भाई यहाँ पर पाइपिंग कर दिया है, उसी हिसाब से इसीलिए हमको इसी टाइप की पाइपिंग करना पड़ रहा है। आई होप कि हम जैसे मार्किंग करना था उस हिसाब से मार्किंग कर दिए हैं। पहले हम कॉर्नर से नाप करते हैं, आपको दिखा रहे हैं आगे यहाँ पर 3 फीट 6 इंच मार्किंग किए हैं और जहाँ पर हम मार्किंग किए हैं वहीं से आगे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर एक मार्किंग किए हैं 6x6 का है, क्योंकि दोस्तों सेंटर में यहाँ पर 6x6 का एक बेड रहेगा, आप खास करके समझ गए होंगे। इसीलिए यहाँ पर हम नीचे में एक मार्किंग किए हैं दोस्तों। यहाँ पर पहले ग्राउंड फ्लोर से नाप कर लेते हैं, यहाँ पर 1 फीट बेस लेवल, और आपको हम बता रहे हैं जहाँ पर मार्किंग किए हैं वहाँ पर 32 इंच में दिए हैं बेस लेवल। यहाँ पर कितना मॉडल की मेटल बॉक्स इंस्टॉलेशन करेंगे वो आपको पाइपिंग करेंगे उसी समय बताएंगे, और ऊपर में यहाँ पर क्या पॉइंट लगाएंगे वो भी आपको आगे बताएंगे। और यहाँ से डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं आगे बराबर से मार्किंग किए हैं लाइन डोरी और कलर, और थोड़ा सा आगे यहाँ पर एक मेटल बॉक्स की मार्किंग किए हैं और नीचे साइड में सेम टू सेम आपको राइट साइड में जैसे बताए हैं लेफ्ट साइड में सेम टू सेम ऐसा ही इंस्टॉलेशन होगा, क्योंकि दोस्तों सेंटर में बेड रहेगा और दोनों साइड स्विच बोर्ड रहेगा। उस हिसाब से यहाँ पर हम मार्किंग किए हैं। कंप्लीट पाइपिंग करते समय आपको बताएंगे कितना मॉडल की मेटल बॉक्स लगाया और कौन सी जगह में क्या पॉइंट देंगे, आपको इसी साइड दिखा रहे हैं। आई होप कि यहाँ पर सीलिंग के ऊपर से डायरेक्ट बैंड गिरा हुआ है, उसका अंदर से ऊपर में एक मार्किंग किए हैं और नीचे साइड ऐसे होकर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे करके नीचे साइड भी एक मार्किंग किए हैं, यहाँ पर भी कितना मॉडल मेटल बॉक्स लगाएंगे आपको कंप्लीट जानकारी आगे बताएंगे। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर से बेस लेवल 52 इंच में मार्किंग किए हैं और यहाँ पर हम कौन सी पॉइंट लगाएंगे और कितना मॉडल की मेटल बॉक्स लगाएंगे वो आपको आगे बताएंगे। दोस्तों समल बेडरूम में क्लियरली स्टेप बाय स्टेप समझा दिए हैं और मास्टर बेडरूम में जाके समझते हैं कैसे मार्किंग किए हैं। एक मास्टर बेडरूम की डोर है, अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद यहाँ पर कंप्लीट समझेंगे। फिर वही फॉर्मूला यहाँ पर अपना लेना चाहिए, लेफ्ट साइड में डोर खोलेगा, राइट साइड में मेटल बॉक्स की मार्किंग करना है। उस हिसाब से यहाँ पर पहले से मार्किंग कर दिए हैं। पहले दोस्तों हम ग्राउंड फ्लोर से नाप करते हैं सेम टू सेम बेस लेवल 52 इंच में दिए हैं और यहाँ से जहाँ तक हम मार्किंग किए हैं दोस्तों डोर की एंडिंग से नाप करते हैं और यहाँ पर चौक से मार्क लगा दिए हैं 1 फीट में, आपको ऊपर दिखा रहे हैं। बराबर तरीका की दीवार में हम लाइन डोरी और कलर से मार्किंग कर दिए हैं और छत के ऊपर से एक पाइप निकला हुआ है उसका अंदर भी मार्किंग कर दिए हैं और आगे जाकर यहाँ पर भी मार्किंग कर दिए हैं। दोस्तों ये मेटल बॉक्स मार्किंग किए हैं वो भी सेम टू सेम ग्राउंड फ्लोर से नाप कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर से नाप करते हैं 52 इंच में मार्किंग किए हैं दीवार में कंप्लीट, इसी साइड आपको हम बता दिए हैं और इधर समझेंगे। यहाँ से डायरेक्ट कॉर्नर तक मार्किंग किए हैं और
इलेक्ट्रिशियन भाई ने इसी रूम में चारों साइड में बैंड नहीं गिराया है, यहाँ पर दोनों साइड बैंड गिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस गए हैं। इसीलिए दीवार को झीरी कटिंग करने की आवश्यकता पड़ रहा है, इसीलिए हम दीवार को कलर और लाइन डोरी से मार्किंग किए हैं। और ऐसे डायरेक्ट मार्किंग करके दोस्तों सेम टू सेम स्मॉल बेडरूम में जैसे हम मार्किंग किए हैं, सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे ही मार्किंग किए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पर यहाँ से एक मार्किंग किए हैं और थोड़ा सा यहाँ पर। आप अच्छा से समझ गए होंगे कि सेंटर में 6x6 का एक बेड रहेगा। और स्मॉल बेडरूम में आपको हम जैसे बताए हैं सेंटर में स्विच बोर्ड रहेगा और नीचे और ऊपर में दोनों पॉइंट रहेगा। वो कौन सा पॉइंट लगाएंगे आपको हम आगे बताएंगे, यहाँ पर एक पॉइंट देंगे। कंप्लीट सेम टू सेम कॉर्नर से जहाँ तक हम मार्किंग किए हैं उसकी हिसाब तो आप पहले वीडियो में जानकारी मिल गया है, इसीलिए आपको हम नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर भी एक स्विच बोर्ड रहेगा, ऊपर में एक पॉइंट रहेगा, नीचे में भी पॉइंट रहेगा और सेंटर में 6x6 की एक बेड रहेगा। दोस्तों आपको हम इस साइड समझा रहे हैं, ऊपर दिखा रहे हैं। आपको हम पहले बताएं दोनों साइड ही बैंड गिरा हुआ है, यहाँ पर बैंड गिरा हुआ है दोस्तों और वहाँ पर एक मार्किंग किए हैं और नीचे साइड में यहाँ पर एक मार्किंग किए हैं दोस्तों। वो सेम टू सेम ग्राउंड फ्लोर से देख ले रहे हैं, यहाँ पर 52 इंच में मार्किंग किए हैं। यहाँ पर ऐसे कौन से इक्विपमेंट की पॉइंट देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर कितने मॉडल की मेटल बॉक्स मार्किंग किए हैं वो आपको हम आगे बताएंगे। पहले हम एंगल ग्राइंडर मशीन से दीवार को झीरी कटिंग करने के लिए मार्किंग किए हैं, उसमें हम पहले 3 स्टेप गलती क्या करते हैं झीरी कटिंग में वो समझेंगे। दोस्तों एंगल ग्राइंडर मशीन को ऐसा नहीं चलाना है क्योंकि दोस्तों एंगल ग्राइंडर की मशीन की बेयरिंग ख़राब हो जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, आप इस प्रकार की मशीन को ना चलाएं, ये मशीन नॉन बैलेंसिंग रहता है और बेयरिंग भी जल्दी ख़राब हो जाता है। और आपको हम आगे बता रहे हैं झीरी कटिंग ऐसे करना चाहिए, झीरी कटिंग करने से पहले अपना आंखों में एक चश्मा और मुंह में मास्क रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खुद की सेफ्टी के लिए। नीचे से ऊपर स्विच बोर्ड कंप्लीट झीरी कटिंग करते हैं एंगल ग्राइंडर मशीन से, पहले हम मास्क लगा लेते हैं। कंप्लीट मास्क लगा लिए हैं और अभी हम एंगल ग्राइंडर मशीन से झीरी कटिंग करना शुरू करते हैं। आइए झीरी कटिंग कैसे किया जाता है प्रॉपर तरीका की। दोस्तों एंगल ग्राइंडर मशीन से आप जब झीरी कटिंग करते हैं नीचे से ऊपर नहीं कटिंग करना है दोस्तों, ऊपर से ही नीचे कटिंग करना है। एक मार्किंग को कंप्लीट नीचे तक कटिंग कर दिए हैं झीरी कटिंग और ऊपर से अभी हम कटिंग कर रहे हैं, ऊपर से डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर तक मार्किंग किए हैं। जैसा मार्किंग है उसी लाइन में एंगल ग्राइंडर मशीन को चला लेना है। यहाँ पर बराबर तरीका से झीरी कटिंग हो गया है, अभी हम मेटल बॉक्स की मार्किंग किए हैं उसको भी हम झीरी कटिंग करना कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से इसे फास्ट स्टार्टिंग किए हैं और एंडिंग में भी यहाँ पर काट लेते हैं और नीचे साइड यहाँ पर काट लेते हैं कंप्लीट, और ऊपर में भी ऐसा सेम टू सेम कंप्लीट यहाँ पर मेटल बॉक्स की मार्किंग को जैसा था उसी हिसाब से आप बाद में ऐसे क्रॉस भी कटिंग कर सकते हैं। पहले हम राइट साइड में मार्किंग किए हैं उसको हम झीरी कटिंग कैसे करते हैं यहाँ पर हम फाइनली समझते हैं। दोस्तों नीचे मार्किंग, ऊपर मार्किंग, ऊपर मार्किंग को नहीं कटिंग करना है क्योंकि दोस्तों नीचे की मार्किंग निशानी मिट जाता है, इसीलिए नीचे में पहले झीरी कटिंग कर लेना चाहिए क्योंकि ऊपर में मार्किंग किए हैं वो जैसा का ऐसा ही रहता है। और ऊपर में आप झीरी कटिंग कर दोगे तो जितना भी डस्ट है नीचे साइड यह हो जाने से नीचे की मार्किंग वहाँ से मिट जाता है, इसीलिए पहले नीचे मार्किंग को झीरी कटिंग कर लेना चाहिए। आप समझ गए होंगे क्लियरली झीरी कटिंग के बारे में। फाइनली देखिए फाइनली झीरी कटिंग कर दिए हैं, टोटल 2 रूम हैं उसको हम झीरी कटिंग करने के बाद कि भाई झीरी कटिंग ऑलरेडी कर दिए हैं और डेमोनेशन हैमर से इनके माध्यम से दीवार को कैसे चिपिंग करते हैं आपको बता रहे हैं। जस्ट ऐसे फेंसिंग करते हैं और जितना भी है झीरी कटिंग वॉल चिपिंग कंप्लीट करने के बाद आपका आगे दिखाएंगे।
दोस्तों पार्ट फोर की वीडियो आप नहीं देखे हैं उसमें हम बताए हैं मेन डिस्ट्रीब्यूशन से पाइपिंग लाए हैं सापारेट वहीं से डायरेक्ट होल किए हैं और एक मास्टर बेडरूम की डोर है उसमें हम मेन पावर सप्लाई वायर पुलिंग करने के लिए सापारेट पाइपिंग मास्टर बेडरूम के अंदर चले आए हैं और समझते हैं ऊपर में यहाँ पर देखिए यहाँ पर डायरेक्ट होल किए हैं और बेड लगा हुआ है दोस्तों और टू मॉडल मेटल रॉड से फिटिंग किए हैं क्लियरली समझ गए हैं यहाँ से किसे पाइप दिए हैं बेड लगाए हैं और आपको दिखा रहे हैं 12 मॉडल मेटल रॉड से फिटिंग किए हैं इन दोस्तों ये बेडरूम में जितना भी लाइट पॉइंट एसी पॉइंट यहीं से ऑपरेट होगा क्लियरली यहाँ से हम आपको पाइप दिखा रहे हैं ऊपर में यहाँ पर बेड दिए हैं इधर हम बाद में समझाएंगे पहले हम इधर समझ लेते हैं यहाँ पर टू मॉडल मेटल रॉड फिटिंग किए हैं यहाँ पर सिल्यूटर कौन रहेगा और यहाँ पर ऊपर में दिखा रहे हैं टैप लगाया है दोस्तों ये सीलिंग के ऊपर जितना भी लाइट पॉइंट है टेंट पॉइंट यहीं से ही वायर डालेंगे और इधर भी एक पाइप है दोस्तों ये पाइप कहाँ पर लूप हुआ है आपको बाद में समझाएंगे डायरेक्ट इधर से बेल्ट दिए हैं ऐसा बेल्ट देकर नीचे में आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर फोर मॉडल मेटल बॉक्स कटिंग किए हैं दोस्तों इधर से बोल दिए हैं एक बाथरूम बाथरूम में कैसे वायरिंग किए हैं वो भी देख लेते हैं साइड में फोर मॉडल मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं डायरेक्ट होल करके यहाँ पर बैंड दिए हैं बैंड लगाकर ऊपर में भी एक बैंड दिए हैं और यहाँ पर टू वे जंक्शन बॉक्स लगाए हैं यहाँ पर लाइट पॉइंट रहेगा आपको आगे दिखा रहे हैं यहाँ पर टू मॉडल मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं गीजर पॉइंट के लिए कॉर्नर में बैंड लगाए हैं और यहाँ पर वन वे जंक्शन बॉक्स क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वेंटिलेटर की पॉइंट रहेगा क्लियरली हम बेडरूम की वन साइड में समझ लिए हैं अभी बेड की साइड में क्लियरली हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो पहले बताया 12 मॉडल मेटल बॉक्स आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत गलती हो गया है बेड दिए हैं ये कॉर्नर में बेड दिए हैं इधर यहाँ से ऐसे डायरेक्ट पाइपिंग किए हैं यहाँ पर टू वे जंक्शन बॉक्स दिए हैं और वो भी दोनों कॉर्नर भी सेंटर में यहाँ पर वायर लग रहेगा या बल्ब भी बंद रहेगा आगे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर बेड लगाए हैं बेल्ट लगा कर दोस्तों यहाँ पर हम नीचे समझते हैं बेल्ट डायरेक्ट ला कर यहाँ पर हम हाइट वे मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं क्लियरली इसके नाप जोख बारे में आपको हम आगे बताते हैं हाइट वे मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक बेल्ट लगा कर ऐसे करके नीचे में यहाँ पर एक वन वे जंक्शन बॉक्स किए हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लाइट काट दिए क्लियरली समझ गए यहाँ पे और यहाँ से ऐसे पाइपिंग किए हैं इधर आपको दिखा रहे हैं ऐसा आईपीए मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं और ऊपर भी यहाँ पर दीवार में वॉल लैंप लगा रहे हैं और उसका नीचे यहाँ पर एक वॉल वे जंक्शन बॉक्स क्योंकि यहाँ पर एक लाइट बॉक्स डाला है तो दोनों साइड स्विच बोर्ड लगाने की तरह इसलिए गए दोस्तों यहाँ पर 6x6 का ऐसा बेड रहेगा और इस साइड और इस साइड स्विच बोर्ड लगा हुआ है एक वीडियो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं और अभी क्लियरली समझ गए होंगे भाई बेड साइड समझ लिए हैं आपको इधर समझा रहे हैं आपको बताए हैं ऊपर में पाइप निकला हुआ है पाइप से डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं ऐसा कि सेंटर से ऐसा हो सेंटर से आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर पाइप निकला हुआ है टू मॉडल मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं दोस्तों सेंटर में यहाँ पर एसी रहेगा और एसी का मेन पावर सप्लाई राइट साइड रहता है और ऐसा नीचे में पाइपिंग किए हैं यहाँ पर थ्री मॉडल मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं दोस्तों कूलर पॉइंट के लिए आई होप कि एक मास्टर बेडरूम में आप स्टेप बाय स्टेप समझ गए होंगे अभी हम एक स्मॉल बेडरूम में जाते हैं और फाइनली समझते हैं आपको ऊपर में दिखा रहे हैं टू मॉडल मेटल बॉक्स फिट किया हुआ है और उसका अंदर एक पाइप छत के ऊपर से आया है दोस्तों उसका अंदर से होल हुआ है मेन पावर सप्लाई लाने के लिए मेन डिस्ट्रीब्यूशन से अंदर से होल किए हैं और अंदर जाके समझते हैं ऊपर में आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर टू मॉडल मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं और ऊपर में एक टैप लगाए हैं दोस्तों सीलिंग में जितना भी लाइट पॉइंट फैन पॉइंट ट्यूब लाइट पॉइंट वहीं से ही वायर पुलिंग करेंगे और छत के ऊपर से यहाँ पर तीनों साइड में बैंड गिरा हुआ है आपको हम आगे बताएंगे नीचे से यहाँ पर हम 12 वे मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं दोस्तों जितना भी एसी पॉइंट लाइट पॉइंट फैन पॉइंट यहीं से ही ऑपरेट होगा और आपको हम बताएंगे आगे यहाँ से जीरो कटिंग करके पाइप फिटिंग किए हैं और यहाँ पर थ्री मॉडल मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं बैंड लगाकर नीचे में 6 मॉडल मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं दोस्तों यहाँ पर 3 स्विचेस रहेगा और नीचे में यहाँ पर 3 5 पिन सॉकेट क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बच्चे लोग के लिए कंप्यूटर पॉइंट है क्लियरली आप फाइनली समझ गए होंगे कि एक स्मॉल बेडरूम बच्चे के लिए ही सभी घर में बनाया जाता है क्लियरली और यहाँ से डायरेक्ट छत के ऊपर से पाइपिंग किया हुआ है और 3 साइड में बैंड गिरा है डायरेक्ट यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगाए हैं दोस्तों यहाँ पर ट्यूबलाइट की पॉइंट रहेगा और आपको आगे बता रहे हैं यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगाए हैं और यहाँ से डायरेक्ट पाइपिंग किए हैं यहाँ पर सेम टू सेम
8 मॉडल मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं और ऊपर में वॉल लैंप के लिए और नीचे में 3 वाट डीप जॉनसन लाइट के लिए दोस्तों पाइप इंस्टॉलेशन किए हैं और पॉइंट छोड़ दिए हैं। आगे ऐसे पाइपिंग किए हैं सेम टू सेम। यहाँ पर I2A मेटल बॉक्स ऊपर में बैंड लगा कर छोड़ दिए हैं वॉल लैंप के लिए और नीचे में 3 वाट डीप लाइट के लिए। और यहाँ पर 6x6 का बेड रहेगा और दोनों साइड स्विच बोर्ड, दोनों साइड वॉल लैंप और दोनों साइड फुट लाइट, सेंटर में बेड रहेगा। आपको समझा दिए हैं और इधर समझा, जहाँ पर जॉनसन बॉक्स लगाए हैं वहीं से डायरेक्ट छत के ऊपर से पहले से पाइपिंग हुआ है और सेंटर में एक जॉनसन बॉक्स लगा हुआ है और वहीं से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बैंड गिरा हुआ है, 2 मॉडल मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक सॉकेट पॉइंट रहेगा और यहाँ पर एसी इंस्टॉलेशन रहेगा। आपको पहले से बता रहे हैं एसी की मेन पावर सप्लाई वायर राइट साइड रहता है, नीचे में बैंड दिए हैं और यहाँ पर हम 3 मॉडल मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं दोस्तों कूलर पॉइंट के लिए। आई होप कि मैं आपसे आशा करता हूँ आपको हम जितना समझाए हैं आप समझ गए होंगे और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट दोनों रूम में मॉडल वायरिंग करने सीख गए होंगे। आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथों साथ एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।